हेलो फ्रेंड्स, आज हम RRBJ एक एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। ये एग्ज़ाम इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड के लिए स्टूडेंट्स के लिए कराई जाती है। ये रेलवे की टेक्निकल पोजीशन को फिल करने के लिए ये एग्ज़ाम होता है। और RRBJ में रिक्रूटमेंट डिजिग्नेशन की बात करें तो इसमें आपको जूनियर इंजीनियर IT, DMS और CMA की पोस्ट मिलती है। आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए indianrailways.gov.in पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको फर्स्ट ब्लू बार में ही रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के नाम मिल जाएंगे। आप अपने अनुसार किसी भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पे क्लिक करके वहाँ अपने नाम और नंबर के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम की फ़ीस जनरल और OBC के लिए 500 और SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर और बाकी सारी कैटेगरीज के लिए 250 होती है। अब अगर हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें आपको डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से चाहिए की डिग्री चाहिए होती है। ये एग्ज़ाम 4 अलग अलग स्टेजेस पे कराई जाती है। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, CBT 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। CBT 1 में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। CBT 2 में 5 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्निकल एबिलिटीज़। CBT 1 90 मिनट्स के होते हैं एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 160 मिनट्स का होता है। गलत आंसर पे 1/3 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। CBT 2 120 मिनट्स का होता है और PWD स्टूडेंट्स के लिए 160 मिनट्स के होते हैं। इसमें भी नेगेटिव गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क्स कट किए जाते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपको आपकी पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाता है। इसमें 1 साल की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग परसेंटेज हैं। अनरिजर्व के लिए 40, OBC एंड SC के लिए 30% एंड ST के लिए 25% होता है। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कराया जाता है। इसमें एग्ज़ाम टोटल 15 लैंग्वेजेस में अलग अलग लैंग्वेजेस में कराई जाती है। अगर हम अब सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड में RRBJE की सैलरी 35,400 पर मंथ होती है और परमानेंट होने के बाद 42,000 हो जाती है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट community.exampathfinder.com पे आ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।